मंगलवार को नगर में माली समाज और राष्ट्रीय फूले ब्रिगेड मध्य प्रदेश और नगरवासियों के द्वारा संयुक्त रूप से नायब तहसीलदार को स्थानीय थाना पर राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपकर शाजापुर जिले के ग्राम नोरोला में फूल माली समाज की 17 वर्षीय नाबालिग बच्ची के साथ हुए सामूहिक दुष्कर्म और हत्या के आरोपियों को फांसी देने की मांग की। समाजजनों ने कहा कि पूरे मामले को लव जिहाद में शामिल कर हत्या से बचे हुए कुछ आरोपियों को शीघ्र गिरफ्तार कर फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामले को चलाकर शीघ्र फांसी की सजा होनी चाहिए। यदि शीघ्र ही आरोपियों को सजा नहीं होती है तो समाजजन के द्वारा उग्र आंदोलन भी किया जाएगा। समाजजनों के साथ ही समस्त राजनीतिक दल और नगरवासियों ने नगर के प्रमुख मार्गों से रैली निकालकर नारेबाजी करते हुए स्थानीय पुलिस थाना पहुंचकर ज्ञापन सौंपा है। पीसीसी सदस्य मनोज होलानी ने कहा कि यह माली समाज के लिए ही गलत नहीं है बल्कि हर समाज के लिए इस तरह का कृत्य गलत है। ऐसे घटिया लोगों को सिर्फ फांसी सजा होनी चाहिए। हमें हमारे प्रशासनिक विभाग पर पूरा विश्वास भी है। ज्ञापन के दौरान पीसीसी सदस्य मनोज होलानी ने कुंदन एस के गौरव बाल्टी सहित माली समाज के प्रदेश प्रभारी सुभाष उत्परिया, प्रदेश उपाध्यक्ष महेश बराया और सैकड़ों समाजजन उपस्थित रहे। सतवा से जीतू सिंह की रिपोर्ट। माली समाज के लोगों के साथ पूरी समाज यहाँ पे इकट्ठी है और निश्चित ये सिर्फ एक माली समाज के लिए गलत चीज़ नहीं है। आज हमारे समाज के लिए भी बड़ी शर्म की बात है। बेटी हमारी थी, उसका इस ढंग से रेप करना और उसकी हत्याकांड करना, ये आज हम इसीलिए सब इकट्ठे हुए हैं कि ऐसे हत्यार घटिया लोगों को सिर्फ और सिर्फ फांसी सजा होनी चाहिए। इन्हें किसी भी स्तर पर कोई माफ़ी नहीं होना चाहिए। इसके लिए चाहे हमको आगे भी अगर कोई हमारी आवाज़ उठाने के लिए जाना पड़ेगा तो हम वहाँ भी जाएंगे, मगर हमें विश्वास है पूरे प्रशासन पे कि प्रशासन ऐसे लोगों को जरूर से जरूर फांसी देगा। शाजापुर जिले के सुजालपुर तहसील में नरेला गांव में जो जिहादियों द्वारा बेटी मुस्कान के साथ विभत्स हत्याकांड और रेप हुआ था उसके विरोध में हम लोगों ने संयुक्त माली समाज फूले ब्रिगेड के द्वारा एवं सभी राजनीतिक दल के द्वारा ये ज्ञापन दिया गया है और माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह जी से हम निवेदन करते हैं कि इस मामले को तत्काल फास्ट ट्रैक कोर्ट में डाला जाए और जल्द से जल्द इन हत्यारों को, इन दुष्कर्मियों को फांसी की सजा दी जाए। इसी के साथ इस नारे को बुलंद करते हुए हम आगे भी निकट में ऐसी कोई घटना ना हो, ऐसा कोई नया प्रावधान लाए कि इन हत्यारों को बीच चौराहे पर जिंदा जलाया जाए, ऐसा प्रावधान और कानून बना जाए, तब कहीं जाकर इस मामलों का अंत होगा, वरना यह कार्यक्रम चलता रहेगा और ये जिहादी हमारी बेटियों का खून चूसते रहे। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।